हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब, बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो आशा करती हूँ कि ये कंटिन्यू रहेगा। तो सुबह सुबह जो मेरा काम रहता है अभी वही कर रही हूँ। दीशु उठी है और आज संडे है ना, तो थोड़ी लेट उठी थी वो, तो मैंने भी नहीं उठाया क्योंकि इतना ठंड है ना, सुबह उठेगी तो ठंड लग जाएगी। ऐसे ही हमारी तबीयत अभी थोड़ी ख़राब चल रही है सबकी, इसीलिए। और मेरा खांसी तो जाने के टाइम ही था, तो आज पड़ोस के जो मेरे देवर है ना, उसके बेटा आया था, तो दीशु से बड़ा है तो वही खेल रहा था। वो भैया चलो खेलते, तो वो मतलब दीशु नाश्ता कर रही थी तब आया था, तो वो बोले चलो चलो खेलते हैं खेलते हैं। तो फिर दीशु ने बोला मैं नाश्ता कर रही हूँ, थोड़ी देर बाद खेलूँगी। तो ये तो है ही दादी अम्मा, तो अभी दोनों बैठे हैं ड्राइंग कर रहे हैं और मैं अपना काम कर रही हूँ। तो वो अपनी दादी के साथ आई थी, तो पापा के साथ बात कर रही थी उसकी दादी, और मैं अपना भी काम करके, मुझे मतलब आज ना वैसे तो कुछ ऐसा ज़्यादा काम था नहीं, क्योंकि मैंने ना धीरे धीरे कपड़े धो लिए थे। बस कपड़े जो धोए वाले जमे हुए थे ना, उन्हें मैं भी फोल्ड कर कर रखना है, किसी को सूटकेस में डालना है, तो वही चल रहा था। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज है संडे, तो मेरी तबीयत अभी थोड़ी बेटर हो गई है, तो व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ आज से। तो अभी ना कपड़े मैं धोते धोते, अभी मैंने आपको दिखाया था उस चेयर पे भर्ती कपड़े हैं, तो थोड़े से मैंने ठीक किए हैं और अभी थोड़ा सा फिर से ठीक करूँगी, उसके बाद पोछा लगाऊँगी, फिर नहा कर तो आज फिर आकर खाना बनाना है। तो ये चिकन खाएगी बोल रही है दीशु, तो इसलिए थोड़ा सा चिकन लेकर आऊँगी, क्योंकि नहीं तो ऐसे हम लोग निरामिष खाते हैं संडे और मंडे दो दिन ही, तो उसको खाने का दिल है, तो इसीलिए पहले मैं अपना वाला बना लूँगी, एक साइड करूँगी, उसके बाद दीशु के, दीशु पापा और दीशु के पापा वो सब खाएंगे। और एक नया न्यूज़ है, दीशु का दांत दोनों गिर गया, कल रात को गिर गया दूसरा वाला भी। तो चलिए थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा सब्जी बगान पालक, मूली, धनिया, गाजर और लहसुन है, तो पापा ने लगाई थी ये सब सब्जी। तो फ्रेंड्स, अभी मैं नहाकर आ गई हूँ, तो अभी खाना बनाऊंगी, और आज मुझे बहुत लेट हो गया है, अभी बज रहे हैं शायद 12। तो पहले मैं बना लूँगी जो निरामिष है उसे, और उसे साइड करके उसके बाद में चिकन बिठाऊँगी, नहीं तो फिर सब एक साथ मिक्स हो जाएगा। और लाइट तो आई है पर गर्म पानी बिठाई है ना, शायद पापा नहाएंगे इसीलिए, तो हम लोग तो सिर्फ ठंडे पानी से नहा लिए, क्या करेगा, करंट का वेट करते करते आ ही नहीं रहा था, तो फिर ठंडे पानी से थोड़ा थोड़ा नहा लिया। तो चलिए, पहले आज मैं बनाने वाली हूँ सरसों का साग, और सरसों का पेस्ट देकर उस दिन बनाई थी ना लाई साग के साथ में, बहुत अच्छा लगा था खाने के लिए, तो फिर आज मुझे वही खाने का दिल किया तो वही बनाऊँगी, और साथ में मेथी आलू की भाजी और चिकन रहेगा और मूंग दाल। तो पापा को ना यूरिक एसिड मतलब कल टेस्ट किया था, तो कल परसों टेस्ट किया था, तो रिपोर्ट आ गया कि उनका यूरिक एसिड है, तो उतना नहीं बोल रहे थे, सभी बोल रहे थे सुनकर, मुझे तो उतना आइडिया नहीं है, पर सभी बोल रहे थे सुनकर कि ज़्यादा नहीं है, कम ही है, तो फिर भी थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, क्योंकि उनको शुगर है, बीपी है, अभी फिर यूरिक एसिड, तो मतलब सब कुछ मिला के प्रॉब्लम ना दे बाद में, इसीलिए थोड़ा मान चीन कर खाना ही बेटर है। तो मैं अभी से कल चना दाल और मूंग दाल लेकर आई हूँ, क्योंकि मेरे घर में ना ज़्यादातर हम लोग मसूर की दाल तो वही खाते हैं, तो अभी से वो बंद, अभी से हम खाएंगे सिर्फ क्या बोलते हैं अरहर की दाल लाऊंगी उसके बदले, अरहर की दाल लेकर आऊंगी। मूंग दाल और चना दाल तो लाती ही हूँ, तो मसूर की दाल अब छोड़ना पड़ेगा। और आप लोगों से बात करते करते मैं यहाँ पर ऑयल मैंने ज़्यादा डाल दी, तो कम कर लेती हूँ, वैसे साग में इतना ऑयल अच्छा नहीं लगता है, बस आलू फ्राई हो जाए इसके बाद में। आज वैसे भी मुझे लेट हो गया है और थोड़ा लेट हो जाएगा, ये जो अलग अलग बनाने के चक्कर में ना और लेट हो जाता है। तो दाल चढ़ा दी है, मूंग की दाल, तो चलिए फटाफट से खाना बनाती हूँ।
तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैंने दाल चढ़ा दी है और साइड में ना मैं आलू फ्राई कर रही हूँ। तो मेथी का जो साग है उसकी भाजी बना रही हूँ। तो आलू जब फ्राई हो जाएगी तो उसमें साग ऐड कर दूँगी। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है फ्रेंड्स, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है। तो अगर आप लोगों को मतलब अच्छा लगता है, मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर कर जाइएगा। तो फ्रेंड्स चलिए अभी मैं थोड़ा सा म्यूज़िक लगा देती हूँ यहाँ पर। तो फ्रेंड्स अभी फटाफट से साग काट लेती हूँ। तो ये देखिए काट लिया। फिर अभी सरसों का साग को ना ज्यादा बारीक नहीं काटूंगी, थोड़े लंबे लंबे साइज में काटूंगी उसे। देखिए कितना थोड़ा बन गया है। तो देखिए फ्रेंड्स मेरी मेथी की भाजी बनकर रेडी है। तो मैंने ना दो मुट्ठी लाई थी, फिर भी देखिए कितना थोड़ा हो गया है। और ये सरसों का साग है सरसों के पेस्ट के साथ, और मेरा सारा खाना बन गया था। लास्ट में ये मैंने चिकन बिठाई है। हम गुवाहाटी जा रहे थे ना, इतने बिजी हो गए कि आप लोगों से एक बात थी शेयर करना भूल गई कि हमारा एक शादी का इनविटेशन आया है जो कि तिनसुकिया में है। तो ये रहा उसका कार्ड। डिपार्टमेंट से दीशु के पापा जो डिपार्टमेंट में हैं वो, तो वहाँ से ना एक मतलब अंकल रिटायर हुए हैं तो उनकी बेटी की शादी है, तो हमारे ही कास्ट के हैं। तो तिनसुकिया में है, यहाँ पर होती, यहाँ पर अगर होता तो मैं जाती, पर तिनसुकिया में है तो मैं नहीं जाऊँगी, शायद दीशु के पापा जाएंगे। तो 1 बजे खाने वाले हैं ना सब, तो सबको शायद पेट में गुड़गुड़ हो रही है, आधा घंटा लेट हो गया है। तो चलिए अभी जाओ। तो वो रही मामी, अभी हम लोग को छोड़ने के लिए जा रहे हैं सब लोग, कितना मजा। तो मामी लोग जाएंगे तेलुलांग और हमें घर ड्रॉप कर जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। चुकिया घूम कर आई है। हाँ, इसलिए बैठा हुआ है, थक गया। थक गया। और यहाँ पर दिशु, उसका मन अभी भर गया, अभी बोल रहे हैं चलो घर जाए। तो आज मैं स्कूटी लेकर नहीं आई हूँ, तो मामा छोड़ देंगे आज हमें। फ्रेंड्स तो अभी शाम का टाइम होगा, इतनी जल्दी अंधेरा हो जाता है ना, तो ठंड के मौसम में यही है कि जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो अभी ऐसे लग रहा है कि बहुत रात हो गई है, पर नहीं, शाम का टाइम हो रहा है। और अभी पापा और दीशु के पापा होकर गए हैं डॉक्टर दिखाने के लिए, क्योंकि पापा का यूरिक एसिड आया था ना रिपोर्ट में, तो इसीलिए दिखाने के लिए गए हैं डॉक्टर को। और उसके बाद अभी तक आए नहीं हैं, देखती हूँ कब तक आते हैं। तो मैं और दीशु हैं घर में, तो मैंने सोचा कि वीडियो का एंड नहीं किया है तो वीडियो का एंड कर देती हूँ। मैक्सिमम मेरे वीडियोस का एंड होता ही नहीं है इसीलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज पता नहीं कितना मैंने क्या शूट किया है, जो भी छोटा सा थोड़ा वीडियो शूट किया है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और गुड नाइट।